हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, बाबर आजम मीम, पाकिस्तानी मीम यू शुड वॉच विद बाबर आजम गर्लफ्रेंड। ओके, बाबर आजम की गर्लफ्रेंड, ये देखते कौन है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लें, उनको भी सब्सक्राइब कर लें। देखते बाबर आजम की गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम हम देखेंगे और देखते हैं बाबर आजम के मीम्स। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वी गो। आज पुरानी यादें ताजा करेंगे, जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। व्हाट डेडिकेशन? ओके, एंटरटेनमेंट पर्पस। वालेकुम सलाम, खैदे जुड़े तगड़े कुशाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिंसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो बाबर आजम जिसे खुद अभी पता चला। व्हाट? आजम से मेरा ताल्लुक आजकल से नहीं है, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। झूठ बोल रही है तू। मैं उम्मीद रखती हूँ, मतलब क्या एलिगेशन है, हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि नहीं। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं, हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। झूठ बोल रही है तू। नहीं, झूठ बोल रही है ये। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। व्हाट? घर आके कौन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। उसने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि चुप साली, बकवास करती हराम खोर। सलोन से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। कंट्रोल बाबर आजम के खाना पीना कपड़ा रहाइश क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही। टू हर बार एक नया झूठ बोलती है, और जब इसका झूठ मारा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। किशन 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। अच्छा, जब मैंने बाबर को बताया उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए तुमको, डूब मर। मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज की इजाजत देता और ना ही हमें इस्लाम इजाजत देता है। देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। आखिर आखिर मैंने तंग आके 2017 में 2017 में पुलिस रिपोर्ट की बाबर के खिलाफ। पुलिस रिपोर्ट क्या हुआ? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। 3 साल से मजीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। Okay. और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रवादार नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वुमन हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। पीसीबी के वहाँ पे फोन की है, मुसलसल फोन करती रही हूँ उनका। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया उन्होंने कहा माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कुछ शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। कि बाबर आजम कहाँ, ये मतलब कि फेस दिखाया नहीं उसने। बाबर आजम तो अभी यार छोटा लग रहा है इससे, यार
छोटा लग रहा है क्योंकि बाबर आजम बहुत ही बेस्ट प्लेयर है, तो मतलब के ये चाड़ी होगी फेम मिल जाए उससे, मुझे एलिगेशन लग रही थी कि यार बाबर आजम मुझे शरीफ लगते, मासूम लगते हैं यार। और आप लोग बताना कि ये रियल थी या सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी, क्या कर रही थी। मीम्स के हिसाब से तो लग रहा है एलिगेशन से सारे, और आप लोग बताना। और बाबर आजम यार आंटी को यार क्या यार आंटी टाइप लग रही थी मुझे, मास्क भी नहीं उतार रहा उससे। और आप लोग कमेंट करके बताना। और खर्चे पूरे करती थी बाबर आजम के, भाई पैसे थे इन बाबर आजम के पास ऐसा लग रहा है। आप लोग बताना, इन्होंने पहुंचाया उनको क्रिकेट हाँ दुनिया मतलब में। क्रिकेट मतलब बैटिंग भी इन्होंने सिखाई है मुझे, ओके बैटिंग भी इन्होंने सिखाई है बाबर आजम को। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और बताना यार सच है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।